नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर, 8000 रुपये बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57% के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है। अगर इसे बढ़ाकर 3.68% किया जाता है तो कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में महीने में 8000 की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द तोहफा मिल सकता है। सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है। सरकार अगस्त के लास्ट में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार इस पर मोहर लगाती है तो 1 सितंबर 2022 से कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कर्मचारी का न्यूनतम बेसिक वेतन 18000 रुपये से बढ़कर 26000 रुपये हो जाएगा। इस तहत महीने में 8000 रुपये और सालाना 96000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57% के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है। अगर इसे बढ़ाकर 3.68% किया जाता है तो कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में 8000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल होता है। अगर मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। केंद्र और राज्य कर्मचारी की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% कर दिया जाए। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18000 रुपये से बढ़कर 26000 रुपये हो जाएगा। दोस्तों, अगर बेसिक पे 18000 रुपये से बढ़कर 26000 रुपये हो जाती है तो कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी। अगर आपका न्यूनतम वेतन 18000 रुपये है तो बत्तों को छोड़कर 2.57 फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक 96260 रुपये मिलेंगे। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो जाता है तो आपकी सैलरी 95680 रुपये होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।